अभी तीन केंद्रीय मंत्री है पर लड़ेगा चुनाव विधानसभा, नौ सांसद है पर लड़ेगा विधानसभा, एक बीजेपी को पूर्व अध्यक्ष है लड़ेगा विधानसभा, एक महासचिव है, महासचिव जिन्होंने कहा था कि ये जो सैनिक नए की कहा की योजना थी वो अग्निवीर योजना देश के लिए गौरव का विषय है, चार साल में बच्चा काम पर लगेगा और रिटायर्ड हो जाएगा, फिर वो जब रिटायर्ड हो जाए तो बीजेपी के कार्यालय में चौकीदारी करेगा, ये किसने कहा था, वो भी विधानसभा में, ये एहसास कराता है कि हवा का रुख बदलने वाला है, सुनामी आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस ध्यान रखो, फिर से हवा का रुख सुनामी, बीजेपी कांग्रेस बस, आपकी बार 51,000। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा रविवार को खिलचीपुर, सारंगपुर और राजगढ़ जिले में पहुंची और इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने भाजपा सरकार के खिलाफ आलोचना की और शिवराज सिंह चौहान की सरकार के इंजन को खराब घोषित किया और कहा कि अब कमलनाथ के इंजन के साथ ही बुलेट ट्रेन चलेगी। चुनाव के बाद में हमें यही देखने को मिलेगा कि जनता किस पार्टी के साथ जाना पसंद करती है। एक महासचिव है, महासचिव जिन्होंने कहा था कि ये जो सैनिक नए की कहा की योजना थी वो अग्निवीर योजना देश के लिए गौरव का विषय है, चार साल में बच्चा काम पर लगेगा और रिटायर्ड हो जाएगा, फिर वो जब रिटायर्ड हो जाए तो बीजेपी के कार्यालय में चौकीदारी करेगा, ये किसने कहा था, वो भी विधानसभा में, ये एहसास कराता है कि हवा का रुख बदलने वाला है, सुनामी आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस ध्यान रखो, फिर से हवा का रुख सुनामी, बीजेपी कांग्रेस बस, आपकी बार 51,000। फिर से एक बार, मास्टर तो फंसी गयो है, मास्टर फंसी गयो है कि नहीं, मास्टर तो घर घर में, मास्टर तो याद रखो, जो देखो मास्टर भी फंसी गयो है, मामू भी गए, ध्यान रखो, जो मामा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अभी मैंने वहां भी क्यों थो अपना जीरापुर में भी, भैया यहाँ छापे डामा से कहाँ की दुकान है, जिकमत 250 रुपया किलो मिठाई मिला है, नेठू शक्कर की रही आवाज मिलती हो, नकली डालडा की मिलती होगी, असली और अच्छी मिठाई तो 250 रुपया में नहीं मिला, यो राखी में 250 रुपया की मिठाई में बेन को वोट लेनु चाहिए, मतलब नकली नोट दिन वोट, याद तरीको है यो? अभी बहनो तुम्हारा मामा जिंदा है, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करने गुजरू तो, 18 साल बात करने को मन हो 18 साल नहीं कर, और फिर बहनों 10 तारीख आएगी और 1,000 रुपए एक क्लिक में आपके खाते में, और दूसरे दिन 3,000 को बिल मामा जी का जाजी का मिल जाएगा फट, बहनों 1,000 रुपया 10 तारीख को आपके खाते में आएगा, और दूसरा दिन 1,100 रुपया की टंकी का लिए टंकी वालों आई जाए, यो धीरे नहीं, अरे जो राशन 3-4-5 हजार में आता तो 15 हजार में ही रहे, इतना 10 हजार महीना का छोड़ा रहा 1,000 देना और फिर वोट लेना, विधायक ना की मंडी लगानी, 50 करोड़ रुपए में विधायक खरीदना, एक गब्बर सिंह तो नहीं शोले को, वो कहीं कहते तो 50-50 कोस जब दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, अब विधायक ना का घर वाला ना कहेंगे, जो विधायक ना है नहीं हड़का पतला जो बिकने जैसा,
इनका घर का लोग कही, इनका कार्यकर्ता ना कही, इनका बनाने वाला मतदाता कही, 50-50 करोड़ लीन मामू आई जाएगा विधायक जी, बच्चिंद्रो जो कहीं कहीं 50 करोड़ में मामू ली नहीं जाएगा। अब विधायक ना के बचाना पड़ी रहा है, अब ऐसा विधायक बनो जो भिकनी, सही है गलत? तो फिर आखिरी बात, आपकी बार 51,000 पक्को नहीं? 101%, फिर से जोर से बोलो, 101% 51,000 पक्को? मार साहब फंसेंगे, भारत माता की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इन दोनों पार्टियों की सियासत अब ट्रेन के इंजन पर बदल गई है। एक ओर भाजपा अपनी सरकार को डबल इंजन सरकार कह रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की राजगढ़ में जन आक्रोश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनका इंजन अब खराब हो गया है और अब कमलनाथ के इंजन के साथ ही बुलेट ट्रेन चलेगी। हालांकि ये विधानसभा के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जनता किसकी ट्रेन के इंजन के साथ जाना पसंद करेंगी। लेकिन वर्तमान में यह दोनों पार्टियां अपनी राजनीति को इंजन के तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह सहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। छापीहेड़ा के बस स्टैंड पर आम सभा को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर अग्निवीर योजना को लेकर भी निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा था कि मुझे अगर भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी रखनी होगी तो मैं एक अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा, आप भी कर सकते हैं। लोगों को सेना के जवानों पर भरोसा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही थी। जनसभा के दौरान उमड़ा भारी जनसैलाब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ध्यान दें, पॉलिटिकल हब चैनल पर हम हर रोज आपको नवीनतम राजनीतिक घटनाओं, समाचारों और विचारों के साथ पूरी तरह से अपडेट रहते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया पॉलिटिकल हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें और अच्छे और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।